तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सीएम हेमंत सोरेन पिछले दो दिनों के दिल्ली के दौरे पर हैं और इसी दौरान एक खबर आ रही है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम सोमवार को सीएम के दिल्ली स्थित आवास और झारखंड भवन पहुंची हुई है। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन 27 जनवरी को ही दिल्ली पहुंचे हैं और इससे पहले 25 जनवरी को ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को 10वां समन भेजा था। इस पत्र में ईडी ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर यह तय करने को कहा था कि 29 से 31 जनवरी के बीच कब पूछताछ की जाए। साथ ही पिछले समन के अनुसार ही उन्होंने यह लिखा था कि अगर यह बयान दर्ज कराने नहीं आएंगे तो ईडी खुद उनके पास पहुंचेगा। इससे पहले 22 जनवरी को ईडी ने 9वां समन भेजकर सीएम को पूछताछ के लिए 27 से 31 जनवरी का समय दिया था। और जाने आपको बताते हैं कि जमीन घोटाले में ईडी ने सीएम को कब कब समन किया है। पहला समन बता दें कि 8 अगस्त को भेजा गया था और 14 अगस्त को हाजिर होने का निर्देश दिया गया था। दूसरा समन 19 अगस्त को भेजा गया था और 24 अगस्त को हाजिर होने के निर्देश दिए गए थे। वही तीसरे समन की अगर बात करें तो 1 सितंबर को वह भेजा गया था और 9 सितंबर को हाजिर होने को निर्देश दिया गया था। चौथा समन की बात करें तो 17 सितंबर को भेजा गया और 23 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया गया था। वही पाँचवा समन 26 सितंबर को भेजा और 4 अक्टूबर को हाजिर होने का निर्देश दिया था। छठा समन 11 दिसंबर को भेजा गया और 12 दिसंबर को हाजिर होने को निर्देश दिया गया था। अगर सातवें समन की बात करें तो 29 दिसंबर को भेजा गया, पूछताछ के लिए समय और जगह खुद तय करने को कहा गया। आठवां समन 13 जनवरी को भेजा गया, यानी कि इस साल 2024 में आठवां समन भेजा गया उनको और 16 से 20 जनवरी तक बयान दर्ज कराने का समय दिया गया। 20 जनवरी को फिर से जमीन घोटाले मामले में सीएम से पहली बार पूछताछ की गई, जैसा कि मुख्यमंत्री आवास से तस्वीरें दिखाया था, ईडी की टीम खुद पहुंची थी। और फिर से 9वां समन 25 जनवरी को भेजा गया, पूछताछ के लिए 27 से 31 जनवरी तक का समय दिया गया। और अब जो है 10वां समन 27 जनवरी को भेजा गया है, बयान दर्ज कराने के लिए 29 से 31 जनवरी तक का समय दिया गया है। और आज अब 29 जनवरी को जब दिल्ली स्थित उनके आवास पर ईडी की टीम पहुंची है और इस वक्त आपको दूसरी तरफ हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, राजधानी रांची में सीएम आवास समेत कई अन्य स्थानों पर जो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, जगह जगह पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। रांची में सीएम आवास जो हमारे ठीक पीछे आप तस्वीरों में देख रहे हैं समेत अन्य स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। और बता दें कि कांके रोड स्थित जिस जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, सीएम आवास समेत कई अन्य स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए काफ़ी पुलिस बल की तैनाती की गई है। वही सोमवार की सुबह यानी आज कई अन्य स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। कांके रोड स्थित हॉटलिप्स के पास जो चौक है, जो आगे हम आपको ठीक पीछे हमारे हॉटलिप्स चौक है, जहाँ की पिछली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब पूछताछ करने के लिए ईडी की टीम आई थी तो देखा था आपकी इन कितने जेएमएम के कार्यकर्ता यहाँ पर जुट गए थे और जो है ईडी के खिलाफ नारेबाजी की थी। लेकिन आज सिटी एसपी, एसडीएम, सिटी डीएसपी, कोतवाली डीएसपी सहित भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात को कर दिया गया है। वही सीएम हेमंत सोरेन पिछले दो दिनों के बता दें कि दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी टीम आज सोमवार को धन शोधन मामले यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच के सिलसिले में सीएम के दिल्ली स्थित आवास और झारखंड भवन पहुंची हुई है। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन 27 जनवरी को ही दिल्ली पहुंचे हैं, इससे पहले 25 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन को 10वां समन भेजा था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर झारखंड से आ रही है और देखने वाली बात होगी कि आगे इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आते हैं। लगातार जो है झारखंड की राजनीति सरगर्मियां तेज हो रही है ठंड भरी मौसम में और देखने वाली बात होगी कि आने वाले एक से दो दिन कितने महत्वपूर्ण झारखंड के लिए हो सकते हैं। फिलहाल आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो है मुख्यमंत्री आवास की गतिविधि है और दिल्ली से क्या कुछ अपडेट्स आते हैं, यह भी हम आपको आने वाले आगे खबरों में बताएंगे। फिलहाल कल से ही जो है जेएमएम के जितने भी कार्यकर्ता हैं वह जो है विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। लगातार कल मोरहाबादी से राजभवन तक का मार्च निकाला और आज फिर से हॉटलिस्ट चौक जो मुख्यमंत्री आवास है वहाँ से राजभवन तक का फिर से एक बार जेएमएम कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, जेएमएम का जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके जो है कार्यकर्ता वह सड़कों पर ईडी के खिलाफ जो है नारेबाजी करते हुए आज फिर से एक बार कार्यक्रम कर रहे हैं। कल से लगातार कहा गया कि 31 दिसंबर तक यह कार्यक्रम यानी 31 जनवरी तक यह कार्यक्रम जारी रहेगा। तो देखिए आने वाले जो है कुछ घंटों में क्या कुछ दिनों में अपडेट्स आते हैं यह भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल इसका इतना ही, लाइव लगातार रांची से मैं कौशल कुमार।